अब हम बात करते हैं MPTP नामक सब्सटेंस, जिसका पूरा नाम है 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, जिसे हम MPTP के नाम से भी जानते हैं। तो MPTP और पार्किंसोनिज्म, ये दो चीजें के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, चर्चा करते हैं केस की, जो कि एक यंग पर्सन्स में भी पार्किंसोनिज्म हो सकता है क्या। उसके लिए एक नई रिसर्च जो के है उसने ओपन किया। तो बात करते हैं हम अर्ली 1980s की। तो एक ऐसा हेल्दी यंग आदमी था जिसने अटेम्प्ट किया था टू सपोर्ट देयर ओपॉइड हैबिट विद द मेपेरिडिन एनालॉग सिंथेसाइज्ड बाय अ अमेचर केमिस्ट। अमेचर केमिस्ट कहते हैं कि उस केमिस्ट को जो कि अव्यवसायिक केमिस्ट है, उस केमिस्ट ने एक मेपेरिडिन एनालॉग का सिंथेसाइज किया था। इसलिए क्योंकि एक आदमी जो है जो कि बिल्कुल यंग हेल्दी था, उसे ओपॉइड की हैबिट थी, तो उसको वो सपोर्ट करने के लिए एक ऐसा मेडिसिन बनाया जिससे कि उसके ओपॉइड की हैबिट को सपोर्ट मिले। तो मेपेरिडिन नामक एक एनालॉग का सिंथेसाइज हो रहा था, लेकिन अनविंटिंगली, मतलब अनभिज्ञ या गलती से कहें, उसने फिर MPTP नामक एक सब्सटेंस को कंज्यूम किया, जिसे कहते हैं 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, और धीरे धीरे उसमें पार्किंसन डिजीज जो है वो डेवलप हो गया। तो MPTP से पार्किंसन डिजीज का डेवलप होना ये दिखाता है कि ये जो दवा थी MPTP, इससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा होगा, फ्री रेडिकल बढ़ा होगा, और उस फ्री रेडिकल ने जाकर ब्रेन को डिस्ट्रॉय किया होगा और जो न्यूरॉन्स है उस पर अफेक्ट किया होगा। तो इस कारण से पार्किंसोनिज्म जो है यंग पर्सन में भी डेवलप हो गया। तो एक न्यू एरा हुआ कि भाई यंग पर्सन में भी पार्किंसन डिजीज हो सकता है। हालांकि हमने देखा है कि मुख्य रूप से पार्किंसन डिजीज बूढ़ों में होता है, अर्डरली में होता है। तो यहाँ देखते हैं कुछ और चीजें। MPTP, जिसका पूरा नाम था 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine, तो MPTP एक प्रोटोटॉक्सिन है जो कि कन्वर्ट हो जाता है बॉडी में मोनोअमाइन ऑक्सीडेज नामक एक एंजाइम के प्रेजेंस में N-methyl-4-phenyl-pyridinium, जिसे MPP+ के नाम से भी हम जानते हैं। तो MPP+ वो सेलेक्टिवली टेकन अप बाय द सेल्स इन द सब्सटेंसिया निग्रा थ्रू द एक्टिव मैकेनिज्म। तो हम देखेंगे MPP+ जो है उसे सब्सटेंसिया निग्रा, जिस मैकेनिज्म से वो डोपामिन को अपटेक करती है सब्सटेंसिया निग्रा, उसी मैकेनिज्म से MPP को भी अपटेक किया। मतलब सब्सटेंसिया निग्रा ने उसके जो सेल्स थे उसने MPP को एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने अंदर ले लिया। इसको कहते हैं अपटेक करना, तो अपने अंदर ले लिया। जैसे ही MPP उस सेल्स के अंदर गया सब्सटेंसिया निग्रा का, तो वो जाने के बाद सेल्स में दे इनहिबिट माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स 1। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स 1 इनहिबिट हुआ, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं इनहिबिट हो गया, और MPP+ वो माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स 1 के साथ इंटरेक्शन किया, तो जिस कारण से सेल डेथ होने लगा और स्टाइटल डोपामिन डिप्लीशन हुआ, पार्किंसन डिजीज हो गया। मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन को इनहिबिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, यदि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन को MPP इनहिबिट कर दिया है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स 1 जो है करता था, इस कारण से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा और उसने सेल डेथ किया और स्ट्राइटल डोपामिन डिप्लीशन हुआ और पार्किंसन डिजीज हुआ। तो रिकॉग्नाइज द ऑफ द इफेक्ट ऑफ द MPTP सजेस्ट दैट स्पॉन्टेनियस अकरिंग पार्किंसन डिजीज मे रिजल्ट फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ अ एनवायरमेंट टॉक्सिन दैट इज सिमिलरली सिलेक्टिव इन इट्स टारगेट। हाउएवर नो सच टॉक्सिन हैज एट बी आइडेंटिफाइड। तो MPTP से हमें ये भी पता चला कि इससे भी इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल टॉक्सिन जो है उसके एक्सपोजर से भी पार्किंसन डिजीज हो सकता है या होगा, लेकिन वो कौन सा एनवायरमेंटल टॉक्सिन MPTP के अलावा भी वो पता करना बड़ा मुश्किल है, वो आइडेंटिफाई अभी तक अच्छे तरीके से नहीं हो सका है। तो MPTP और एनिमल्स मॉडल देखते कि एनिमल्स पे भी थोड़ा सा प्रयोग करके देखा जा सकता है, क्योंकि ये ह्यूमन से प्रयोग हुआ था MPTP का। अब उसे कुछ
नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में भी हमने प्रयोग करके देखा है। देखा कि नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में हमने यदि उसका प्रयोग किया है तो उसमें भी पार्किंसन डिजीज जो है वो डेवलप होते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो ये एंटी पार्किंसन ड्रग्स के ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हम देखते हैं कभी भी किसी एनिमल्स को हम लोग सबसे पहले किसी ड्रग्स में जांच करते हैं कि इसमें एंटी पार्किंसन इफेक्ट है कि नहीं, तो पहले उस एनिमल्स को पार्किंसन डिजीज प्रोड्यूस किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है। तो एमपीटीपी से पहले उसमें हमने नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में पार्किंसन इंड्यूस किया है और फिर उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं एंटी पार्किंसन जैसे ड्रग्स से, और ये पता करते हैं कि क्या ये एंटी पार्किंसन ड्रग्स जो है उस ह्यूमंस नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स को ठीक कर पा रहा है कि नहीं ठीक कर पा रहा है। यहां हम देखेंगे एक हमने दिया था एक मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर्स जिसे हम माओ बी भी कहते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी को। ये एक ऐसा ड्रग है सेलेजिलिंस को जो कि एमपीटीपी का कन्वर्जन एमपीपी प्लस में होने से रोकता है और इस कारण से पार्किंसन डिजीज अक्रेंस जो है वो बहुत ही प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हो जाता है, मतलब बहुत ही अच्छा ड्रग है सेलेजिलिंस। ये एंटी पार्किंसन ड्रग्स है, इसका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल अच्छा देखा गया। अब इसका इस्तेमाल जो है ह्यूमंस यूज के लिए भी होता है और सेलेजिनिन जो है वो रिटार्ड करता है प्रोग्रेशन ऑफ पार्किंसन डिजीज इन ह्यूमन। तो पार्किंसन डिजीज जो बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, तो सेलेजिनिन लेने से वो पार्किंसन डिजीज में जो प्रोग्रेशन हो रहा है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमने देखा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग के। तो हम यहाँ पे दो भाग में बांटते हैं। पहला भाग करेंगे जो कि ब्रेन डोपामिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करता है और दूसरा ड्रग जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो दो सिस्टम यहाँ पे मुख्य है, पहला है डोपामिनर्जिक सिस्टम और दूसरा है कोलिनर्जिक सिस्टम। तो आते हैं हम लोग बात करते हैं डोपामिनर्जिक सिस्टम में डोपामिन प्रीकर्सर। डोपामिन प्रीकर्सर मतलब डोपामिन को जो रिलीज करता है, या हम कहेंगे लिवोडोपा। लिवोडोपा एक प्रो ड्रग है जो कि ब्रेन के अंदर जाने के बाद डोपामिन को रिलीज करता है, इसी कारण से इसे डोपामिन प्रीकर्सर्स भी कहते हैं। इसमें कुछ और भी ड्रग्स हैं इनहिबिटर जैसे पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर जिसमें हम बात करते हैं कार्बिडोपा का या बेंसिराजाइड का। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट भी है कुछ, ब्रोमोक्रिप्टिन, परगोलाइड, प्रीबेडिल, प्रोपिनिरोल्स और प्रेमीपैक्सोल नामक कुछ ड्रग्स हैं जो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट है। माओ बी इनहिबिटर्स भी है जैसे सेलेजिनिन। ये जितने भी ड्रग है CUMT इनहिबिटर्स, इंटेकोन, इंटाकेपोन और टोलकेपोन और डोपामिनर्जिक फैसिलिटेटर जो डोपामिन की पेनिट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, एमेंटेडिन। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये पूरे सिस्टम्स को क्योंकि सबसे पहला है कि डोपामिन को ब्रेन के अंदर तक पहुँचाना, क्योंकि हम डोपामिन का टैबलेट नहीं लेते हैं, हम लेते हैं एक लिवोडोपा का टैबलेट। तो ये लिवोडोपा जो है पेरिफेरल मतलब ब्रेन के बाहर कुछ ऐसे भी एंजाइम्स है जैसे कि डी कार्बोक्सिलेज, पेरिफेरल डी कार्बोक्सिलेज, तो वो एंजाइम जो है वो लिवोडोपा का डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं। और डोपामिन चूंकि वाटर सोलबल होने के कारण ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर नहीं सकता, तो हमने एक लिवोडोपा प्रिकर्सर बनाया है जिसमें लिपिड सोलबिलिटी काफी अच्छी होती है और वो ब्रेन के अंदर तक पेनिट्रेट करके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक जा सकता है। लेकिन पेरिफेरल में से बचाना जरूरी है, जैसे पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम जो कि लिवोडोपा का डिग्रेडेशन करता है, तो उसको इनहिबिट करने के लिए हम कार्बिडोपा और बेंजराजाइड डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट भी हमने बनाया है कि डोपामिन की तरह वो काम करे, ब्रोमोक्रिप्टिन, परगोलिडिन, प्रीबेडिल, प्रोपिनिरोल्स और प्रेमीपैक्सोल। या माओ इनहिबिटर्स में हमने ड्रग्स दिया जैसे सेलेजिनिन जैसे ड्रग्स दिया है। CUMT इनहिबिटर्स का भी इस्तेमाल किया है जो कि लिवोडोपा का डिग्रेडेशन को रोके, क्योंकि CUMT जो है वो भी एक ऐसा एंजाइम है जो लिवोडोपा को डिग्रेडेशन से रोकता है, इंटेकेपोन और टोलकेपोन, और डोपामिन फैसिलिटेटर जो डोपामिन के एक्टिविटी को बढ़ाए वो एमेंटेडिन हो गया। कुछ ड्रग कोलिनर्जिक सिस्टम पे एक्ट करता है जैसे सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ट्राईहेक्साइल फिनाइल जिसे हम बेंजहेक्सोल्स भी कहते हैं, प्रोसाइक्लिडिन और बाइपेरिडिन। कुछ ड्रग है एंटीहिस्टामिनिक और फेनाड्रिल और प्रोमेथाजिन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लिवोडोपा की जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग्स है और बाकी ड्रग्स जो है मुख्य रूप से इसी ड्रग्स को सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं। लिवोडोपा है -3,3,4-dihydroxyphenyl-L-alanine।
जिसे हम लिवोडोपा कहते हैं। ये एक लिवोरोटेटरी स्टीरियो आइसोमर है डोपामिन का। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि लिवोरोटेटरी स्टीरियो आइसोमर है डोपामिन का, जिसे हम कहते हैं लिवोडोपा। अब बात करते हैं डोपामिन की, तो हमने डोपामिन की जगह पे लिवोडोपा क्यों दिया? लिवोडोपा एक प्रिकर्सर है जो कि बॉडी में डोपामिन को रिलीज करता है। तो डोपामिन हमने क्यों नहीं दिया? क्योंकि डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है। ब्रेन के चारों तरफ एक ब्लड ब्रेन बैरियर का लेयर होता है, जिसको क्रॉस करने के लिए लिपिड सोल्युबल होना बहुत जरूरी है। तो डोपामिन इसे क्रॉस नहीं कर पाता है, इसमें उतनी लिपिड सोल्युबिलिटी होती नहीं है कि वो ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके। और हमें सबसे पहले कि पार्किंसन डिजीज हमें ब्रेन तक पहुंचाना है डोपामिन को, क्योंकि पार्किंसन में ब्रेन के अंदर जो है वो डोपामिन की कमी हो गई है। तो पेरिफेरल सर्कुलेशन हो गया है, तो पेरिफेरल सर्कुलेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि डोपामिन को ब्रेन के अंदर तक पहुंचाना है। ब्रेन के बाहर यदि डोपामिन रहता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन के अंदर डोपामिन की कमी हो गई है। तो इसलिए हमने लिवोडोपा बनाया है, जो कि इमीडिएट मेटाबॉलिक प्रिकर्सर है डोपामिन का, जो कि ब्रेन में इंटर करता है वाया एल अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर या एलएटी के थ्रू, जो कि डी कार्बोक्सिलेट टू द डोपामिन। तो वहां पर वो डी कार्बोक्सिलेट डोपामिन में होता है। लिवोडोपा में बात करेंगे सबसे पहले अब्जॉर्प्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबोलिज्म, एलिमिनेशन, कहाँ से वे अब्जॉर्ब होता है। जैसे लिवोडोपा का हम टैबलेट कंज्यूम करते हैं, तो अब देखेंगे लिवोडोपा का टैबलेट कैसे हम कंज्यूम करते हैं। सबसे पहले वो इंटेस्टाइन में जाता है, तो बहुत अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब होता हुआ देखा जा सकता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में। आप जब लिवोडोपा का टैबलेट लीजिएगा तो बहुत ही रैपिडली अब्जॉर्ब होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अब्जॉर्ब डिपेंड करता है कि गैस्ट्रिक इम्पिटी रेट और पीएच क्या है गैस्ट्रिक कंटेंट का, इस पर भी डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीएच ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स क्या है या गैस्ट्रिक इम्पिटी रेट क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो एक बार वो जीआईटी ट्रैक से अब्जॉर्ब हो गया तो बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखते हैं कि इसका पीक वैल्यू जो है वो 1 से 2 घंटे के बीच में देखा जाए सबसे हाई इसका लेवल होता है आफ्टर ओरल डोज अब्जॉर्प्शन। और प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है यूजुअली देखा जाता है इसका 1 से 3 घंटे का। मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो 2/3 ऑफ द ओरल डोज अपीयर इन अ यूरिन मेटाबोलाइट विद इन द 8 आवर्स। तो आप जितने भी डोज लेते हैं डोपामिन का तो उसका 2/3 डोज जो है वो 8 घंटे के अंदर अंदर मेटाबोलाइट बनके लिवोडोपा या उसका मेटाबोलाइट, तो मुख्य रूप से उसका मेटाबोलाइट ही आपको 8 घंटे के अंदर यूरिन में मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं इसका मेन जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है वो 3-methoxy-4-hydroxy-phenylacetic acid, जिसे होमोवेलिनिक एसिड या HVA भी कहते हैं, या है डोपेक है जिसे हम कहते हैं DIHYDROXY-PHENYLACETIC ACID। फिर हम बात करते हैं 1-3% ऑफ एडमिनिस्टर्ड लिवोडोपा एक्चुअली इंटर द ब्रेन अनअल्टर्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रिमाइंडर इज मेटाबोलाइज्ड एक्स्ट्रा सेरेब्रली predominantly by the decarboxylation to the dopamine, which does not penetrate the brain blood-brain barrier. तो हम बात करते हैं कि हम डोपामिन, मान लो कि हमने 100 mg का डोपामिन लिया, उसमें से 1-3% जो है डोपामिन ही वो ब्रेन के अंदर एक्चुअल में इंटर हो सकते हैं अनअल्टर्ड, मतलब बाकी सबका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो पेरिफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज नामक एक एंजाइम है जो ब्रेन के बाहर मतलब पेरिफेरली इनहिबिट करता है डोपामिन को, इसका डिग्रेडेशन करता है, इसका मेटाबॉलिज्म करता है। तो यहाँ पे हमने इस एंजाइम को जो कि पेरिफेरल डोपामिन को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिवोडोपा है, तो यहाँ पे AADC लुभापिन डी कार्बोक्सिलेज जो है वो एक एंजाइम है जो कि लिवोडोपा का डिग्रेडेशन करता है पेरिफेरल ब्रेन के बाहरी, या COMT नामक एक एंजाइम है जो कि लिवोडोपा का ब्रेक डाउन कर रहा है पेरिफेरल। तो इन दोनों से बचाने के लिए हमने पेरिफेरल जैसे डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर दिया है कार्बिडोपा को, जो कि पेरिफेरल जो है इसे इनहिबिट करता है, और इंटेकेपोन और टेलकेपोन नामक दो ड्रग्स दिए हैं जो COMT नामक एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। ये दोनों एंजाइम्स यदि इनहिबिट हो जाएंगे लिवोडोपा का पेरिफेरल डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लिवोडोपा जो है वो ब्रेन के अंदर जा सकता है। अब ब्रेन के अंदर यदि वो पहुंच गया लिवोडोपा तो फिर यहाँ देखेंगे AADC नामक डोपामिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है उसे डोपामिन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन डोपामिन फिर यहाँ पे
माओ बी और सीओएमटी के प्रेजेंस में इसका भी कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो हमने यहाँ पे फिर से एक टोलकपेन दिया है, तो टोलकपेन नामक एक ड्रग्स जो सीओएमटी इनहिबिटर्स भी है, वो डोपामिन के डिग्रेडेशन को कहीं ना कहीं इनहिबिट करते हुए कहीं ना कहीं उसके मेटाबोलिज्म को रोकता है, सीओएमटी नामक एंजाइम्स को इनहिबिट करता है टोलकेपोन, और टोलकेपेन ने सीओएमटी नामक एंजाइम्स को इनहिबिट किया है, तो डोपामिन का कंसंट्रेशन जो कि लिवोडोपा से कन्वर्ट होने के बाद आया है वो बना रहेगा ब्रेन के अंदर। या फिर माओ बी इनहिबिटर दिया मोनोअमाइन ऑक्सीजेट, जिसका पूरा नाम होगा, तो मोनोअमाइन ऑक्सीजेट बी नामक एंजाइम्स को इनहिबिट किया है सेलेजिनिन से, तो सेलेजिनिन ने भी माओ बी को इनहिबिट किया है, और जैसे उसने माओ बी को इनहिबिट किया है तो डोपामिन जो है वो डोपेक में कन्वर्ट होने से बच गया है। तो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमने लिवोडोपा तो दिया है, लेकिन लिवोडोपा के साथ इंटेकेपोन या टोलकेपोन या कार्बिडोपा या सेलेजिनिन जैसे ड्रग्स का भी इस्तेमाल किया है जो मुख्य रूप से लिवोडोपा के इफेक्ट को बढ़ाता है, और ये मुख्य रूप से एलिमिनेशन की बात की जाए तो लिवोडोपा यूरिन से एलिमिनेट होता है। यह हमने लिवोडोपा के पढ़ा हमने मेटाबोलिज्म का। अब ये भी देखेंगे कि एक फिगर देखते हैं स्ट्रक्चर वाइज, लिवोडोपा सीओएमटी के प्रेजेंस में 3O मिथाइल डोपा में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे भी देखे थे हमने 3OMD क्या है या DA क्या है या 3MT क्या है, उसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। लिवोडोपा जो है वो सीओएमटी नामक एंजाइम्स के प्रेजेंस में 3O मिथाइल डोपा में कन्वर्ट होता है। डोपामिन डी कार्बोक्सिलेट जो है AADC के प्रेजेंस में वो डोपामिन में कन्वर्ट होता है। डोपामिन का मेटाबोलॉजी फिर सीओएमटी के प्रेजेंस में 3-methoxytyramine में हो सकता है, 3-beta-HK हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में वो नॉन एफिनेफ्रिन में, या माओ इनहिबिटर के प्रेजेंस में मिथाइल टायरामिन जो है, या ALDH के प्रेजेंस में, ये दो एंजाइम्स के प्रेजेंस में 3-methoxy-4-hydroxy फिनाइल एसिटिक एसिड में, जिसे हम HBA भी कहते हैं, उसमें कन्वर्ट होता है। या डोपामिन जो है वो MOA या ALDH के प्रेजेंस में 3-4-dihydroxy फिनाइल एसिटिक एसिड, जिसे डोपेक कहते हैं, उसमें कन्वर्ट होता है। या फिर ये डोपेक जो है वो COMT के प्रेजेंस में 3-methoxy-4-hydroxy फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है। यहाँ हमने देखा कि हमने क्यों लिवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ दिया पार्किंसन डिजीज में, और लिवोडोपा मस्ट बी गिवन इन अ लार्ज अमाउंट व्हेन इट इज यूज्ड अलोन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो हमने इसका आंसर जान लिया है। पहला आंसर देखते हैं कि लिवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ क्यों यूज करते हैं। तो इसके लिए हमने फिर से पीछे जाते हैं। लिवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ इसलिए यूज करते हैं कि लिवोडोपा जो है, जिसे हम L-डोपा के नाम से यहाँ लिखे हुए हैं शॉर्ट में, तो वो एक एंजाइम है डोपामिन डी कार्बोक्सिलेज। ये डोपामिन डी कार्बोक्सिलेज जो है लिवोडोपा का डिग्रेडेशन करता है डोपामिन, जिसे हम DS इंडिकेट कर रहे हैं। तो लिवोडोपा ये डोपामिन में कन्वर्ट होता है, लेकिन हमें चाहिए कि ये लिवोडोपा जो है ब्रेन के अंदर तक चला जाए, और ब्रेन के अंदर में जाने के बाद ये डोपामिन में कन्वर्ट हो। तो हमने एक कार्बिडोपा नामक एक सब्सटेंस दिया है जो कि पेरिफेरली एक्ट करता है, ये वाटर सोलबल है, ये ब्रेन के अंदर इंटर नहीं कर सकता क्योंकि ब्रेन के अंदर भी एक डोपामिन डी कार्बोक्सिलेज है। तो ये ब्रेन के अंदर कार्बिडोपा इंटर नहीं करता है, ये वाटर सोलबल फॉर्म होगा या इसकी लिक्विड सोलुबिलिटी कम होगी, तो पेरिफेरल ही ये डोपामिन डी कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करता है ताकि लिवोडोपा का कंसंट्रेशन बना रहे, वो डोपामिन में पेरिफेरल में कन्वर्ट ना हो। हाँ, अंदर जाने के बाद ये कार्बिडोपा का कोई असर नहीं होता है क्योंकि कार्बिडोपा ब्रेन के अंदर इंटर नहीं कर सकता, और लिवोडोपा यहाँ पे डोपामिन डी कार्बोक्सिलेज नामक एंजाइम्स के प्रेजेंस में आराम से डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि कार्बिडोपा के साथ देने का मतलब है कि कार्बिडोपा लिवोडोपा के मेटाबोलिज्म को रोकता है, इसे एंजाइम के डिग्रेडेशन से रोकता है, जिसे हमने कहा था AAADC डोपामिन कार्बोक्सिलेज। या अकेले भी यदि चाहते हैं कि कार्बिडोपा का इस्तेमाल ना करें, लिवोडोपा को हम ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तब भी पार्किंसन डिजीज का ट्रीटमेंट संभव हो सकता है। तो लिवोडोपा के इंडिकेशन देखते हैं कहाँ यूज होता है। बिल्कुल, ये पार्किंसन डिजीज में होने वाला एक ड्रग है। हालांकि हम बात करेंगे कि कोई भी ड्रग जो है वो पार्किंसन डिजीज के प्रोग्रेशन को रोक नहीं सकता है, लेकिन इस अर्ली इनिशिएशन लोअर द मोर्टिलिटी रेट, मोर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ही कम कर देता है लिवोडोपा। लेकिन यदि हम लॉन्ग टाइम इफेक्ट करते हैं लिवोडोपा का, तो हमें ऑन ऑफ फिनोमिना इफेक्ट दिखेगा,
उसका मैनेजमेंट करना भी जरूरी है, मतलब कभी लिवरडोपा का इफेक्ट दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। डोज की बात करेंगे तो लिवरडोपा को हम कार्बिडोपा के साथ देते हैं, 25 mg कार्बिडोपा और 100 mg लिवरडोपा, 3 टाइम्स देते हैं दिन में, 3 बार देते हैं, और उसका डोज को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हम अपर टाइट्रेशन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपर टाइट्रेशन, जिसमें देखेंगे लिवरडोपा, कार्बिडोपा या इंटेकेपोन भी हम लोग तीनों साथ में मिला के देते हैं। हालांकि इंटेकेपोन जो है वो COMT इनहिबिटर है, जिसे हम कहेंगे केटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफ्रेज इनहिबिटर है, ये चीज़ें देखेंगे। तो लिवरडोपा जो है या कार्बिडोपा या इंटेकेपोन जो है वो COMT इनहिबिटर्स माना जाता है। इंटेकेपोन ये भी एक इंजाइम्स को इनहिबिट करता है, यहाँ पे भी देख सकते हैं COMT नामक इंजाइम्स है जो लिवरडोपा को 3-O मिथाइल डोपा में कन्वर्ट होने से कन्वर्ट करता है। तो हमने इंटेकेपोन और टोलकेपोन नामक दो सब्सटेंस दिया है, हालांकि टोलकेपोन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, इंटेकेपोन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, वो पेरिफेरल ही है COMT इनहिबिटर, लेकिन टोलकेपोन जो है पेरिफेरल के साथ साथ सेंट्रल भी COMT इनहिबिटर है, जो कि लिवरडोपा के डिग्रेडेशन को रोकता है 3-OMD में, जिसे हम कहेंगे 3-O-methyldopa। यहाँ के लिए एक और हम फिगर के हिसाब से देखेंगे, जिसमें हम लिवरडोपा का अलग अलग ड्रग्स के साथ इस्तेमाल करते हुए देखेंगे, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा विश्राम।